सब्सक्राइब कीजिए ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नए नए वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, Today we will study about Mesopotamian civilization part 2. In this part we will study about origin and sources of Mesopotamian civilization. Clear? First of all, Mesopotamia, clear? Mesopotamia is the land between the Tigris and Euphrates rivers. Clear? Tigris river और Euphrates river दोनों के जो बीच का land है वो उसे ही मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है और इसी लैंड को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि इस सभ्यता का उद्गम स्थल। इट मींस ये सिविलाइजेशन इन्हीं टू रिवर्स के बीच का जो लैंड है वहीं से डेवलप होना, ग्रोथ करना स्टार्ट किया था इस सिविलाइजेशन में। इसलिए जो टाइग्रिस रिवर और यूफ्रेट्स रिवर है, इन दोनों रिवर्स के बीच का जो लैंड है उसे ही क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन बोला जाता है, यानी कि इस सभ्यता का उद्गम स्थल। क्लियर? इसके अलावा इस रीजन में कुछ लैंड एरियाज जो इंक्लूडेड है वो लैंड एरियाज है सुमेर, अक्कड़, बेबीलोनिया एंड असीरिया। क्लियर? फोर लैंड्स आर इंक्लूडेड इन इट, सुमेर, अक्कड़, बेबीलोनिया एंड असीरिया। क्लियर? तो बेसिकली मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन उस लैंड पर डेवलप होना स्टार्ट हुई जो लैंड टू रिवर्स टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स दोनों के बीच का जो लैंड उसको उसी लैंड पर ये सिविलाइजेशन डेवलप होना शुरू हुई थी। इसीलिए उस लैंड को ही क्या बोला जाता है? क्रेडल ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सोर्सेस बाय विच वी गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस सिविलाइजेशन। उन सोर्सेस के बारे में बात करते हैं जिनसे हमें इस सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी मिलती है। यू नो वेरी वेल, इन प्रीवियस वीडियोस वी डिस्कस्ड अबाउट आर्कियोलॉजिकल एंड लिटररी सोर्सेस। क्लियर? बेसिकली बोथ द सोर्सेस आर अवेलेबल फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सिविलाइजेशन। दोनों ही तरह के सोर्सेस अवेलेबल है। लेट्स टॉक अबाउट द सोर्सेस ऑफ दिस सिविलाइजेशन। वी गेट टू नो अबाउट द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थ्रू आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस सच एज द ज़िगुरैट। क्लियर? हमें इस सिविलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है वो दोनों ही आर्कियोलॉजिकल और लिटररी सोर्सेस दोनों से ही मिलती है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ज़िगुरैट। क्लियर? ज़िगुरैट एक टावर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें टॉप पर क्या होता है? टेंपल होता है। उसको क्या बोला जाता है? ज़िगुरैट। ज़िगुरैट इज अ टावर शेप्ड स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर होता है टावर के शेप का और इसके टॉप पर एक टेंपल होता है और उसी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? ज़िगुरैट। क्लियर? ज़िगुरैट हमें कहां मिला है? उर में। उर एक प्लेस है, इस सिविलाइजेशन की एक साइट है जहां से हमें ज़िगुरैट मिले हैं। क्लियर? टावर शेप्ड स्ट्रक्चर मिले हैं जिनके टॉप पर टेंपल है और इन टावर शेप्ड स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है? ज़िगुरैट। क्लियर? और ये उर से हमें मिले हैं। उर इज अ प्लेस ऑफ दिस सिविलाइजेशन जिसको हम साइट बोलते हैं। एक साइट है सिविलाइजेशन की। सील्स, कई सारे सील्स मिली है। सील यानी कि वही छापा, इंप्रेशन, जिससे मुद्रक या अलग अलग मुद्राओं के ऊपर या इस सिविलाइजेशन के जो लेटर्स थे उनके ऊपर इंप्रेशन लगाया जाता था। सील आपने देखा होगा, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सील लगाई जाती है, उसी तरह की सील्स यहां से मिली है। कुछ इंप्रेशंस मिले हैं जिनका यूज इस सिविलाइजेशन में किया जाता था। और लिटरेरी सोर्सेस मिले हैं, द एपिक ऑफ गिलगमेश। क्लियर? द एपिक ऑफ गिलगमेश ये एक लिटरेरी सोर्स है जो कि हमें
मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ दिस सिविलाइजेशन। अराउंड 3000 BCE, अराउंड 3000 BCE, इट मींस अप्रोक्स 5000 ईयर्स एगो, लगभग आज से 5000 साल पहले ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, ये सिविलाइजेशन डेवलप होना स्टार्ट हुई थी। इसलिए मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन माना जाता है। इट इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इन इट्स एक्सटेंट। क्लियर? आज से लगभग 5000 साल पहले ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। क्लियर? और जिन रीजंस में ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी उन रीजंस को सुमेरियंस बोला जाता है। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिटीज ऑफ दिस सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिटीज। क्लियर? देयर आर फ्यू सिटीज, यू नो वेरी वेल, व्हेनेवर आर्कियोलॉजिकल साइट इज डिस्कवर्ड, जब भी किसी आर्कियोलॉजिकल साइट का पता चलता है तो आर्कियोलॉजिस्ट वहां आके एक्सकेवेशंस करते हैं, खुदाई करते हैं, और उन एक्सकेवेशंस में डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिलते हैं। क्लियर? और उन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बेस पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि उस समय के लोगों ने क्या किया होगा, कैसे रहते होंगे, क्या करते होंगे, उनके जो आर्ट फैक्ट्स रहते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस रहते हैं, वो सभी हमें उनकी लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो उन आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स से पता चलता है कि कुछ सिटीज एग्जिस्टेंस में थी उस समय आज से 5000 साल पहले। एरिडू, किश, उरुक, लगेश, क्लियर, एंड उर, पांच सिटीज, मेनली फाइव बिग सिटीज डिस्कवर की गई आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। कौन कौन सी? एरिडू, किश, उरुक, लगेश, क्लियर, एंड उर। और इन सभी में उर जो सिटी थी वो इस सिविलाइजेशन की बिगेस्ट सिटी थी, सबसे बड़ा शहर था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का। कौन सा था? उर। उर वाज द बिगेस्ट सिटी ऑफ दिस सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में अभी तक सबसे बड़ा शहर जो एक्सकेवेट किया गया है वो है उर। उर वाज द बिगेस्ट सिटी ऑफ द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। क्लियर? उर के बारे में बात करते हैं। उर जो सिटी थी वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड थी। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थी? थ्री पार्ट्स में। क्लियर? सेक्रेट, क्लियर, इट वाज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, द वॉल्ड सिटी ऑन माउंट एंड द आउटर टाउन सेक्रेट प्लेस। क्लियर? एक और जो एरिया था इस सिटी का वो था सेक्रेट एरिया। थ्री पार्ट्स में सिटी डिवाइडेड थी, सेक्रेड एरिया, सेक्रेड एरिया, क्लियर, सेक्रेड एरिया, द वॉल्ड सिटी ऑन अ माउंट, क्लियर, एंड द आउटर एरिया, आउटर टाउन। क्लियर? थ्री पार्ट्स में ये सिटी डिवाइडेड थी। जो सेक्रेड एरिया था उस सेक्रेड एरिया में ज़िगुरेट हुआ करते थे, ज़िगुरेट। क्लियर? ज़िगुरेट, एज आई टोल्ड यू, एक टावर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, एक टावर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके टॉप पर टेम्पल होता है। क्लियर? और वो टेम्पल किसका होता है? टेम्पल पेट्रॉन गॉड ऑफ द सिटी, यानी कि सिटी के जो पेट्रॉन गॉड होते हैं उनका ही वो टेम्पल हुआ करता था। क्लियर? और ये टेम्पल कहाँ हुआ करता था? सेक्रेट एरिया में। इसके अलावा सेक्रेट एरिया में ऑफिसेस हुआ करते थे, स्टोर रूम्स हुआ करते थे। क्लियर? और वहीं अगर हम बात करें वॉल्ड सिटी की और आउटर टाउन की, तो वॉल्ड सिटी और आउटर टाउन दोनों ही जगह लोग क्या करते थे? रहा करते थे। क्लियर? जो वॉल्ड सिटी हुआ करती थी उसमें रिच पर्संस, बिजनेसमैन, क्लियर, और किंग की फैमिली के लोग, क्लियर, इसके अलावा नोबल्स, ये सब लोग कहां रहा करते थे? वॉल्ड सिटी में, जो कि एक ऊंची जगह पर बनी हुई होती थी। और वहीं जो आउटर टाउन होता था उसमें लेबरर्स, क्लियर, और जो रिमेनिंग प्रजा थी उस सिटी की, जो रिमेनिंग लोग थे, रहवासी थे उस लोग के, गरीब लोग जो थे, पुअर फैमिलीज थी, वो रहते थे आउटर एरियाज, आउटर टाउन। क्लियर? तो थ्री पार्ट में उर सिटी डिवाइडेड थी, सेक्रेट एरिया, आउटर टाउन एंड द वर्ल्ड सिटी। क्लियर? वर्ल्ड सिटी, सेक्रेट एरिया एंड आउटर टाउन। क्लियर? ये थ्री पार्ट में सिटीज डिवाइडेड थी। अब इन
वर्ल्ड टाउन और आउटर टाउन, वर्ल्ड सिटी एंड आउटर टाउन, इन दोनों में ही ब्रिक्स की बिल्डिंग्स बनी हुई थी, ब्रिक्स के घर बने हुए थे, क्लियर, ईंटों के घर बने हुए थे। और एक चीज है कॉमन थी इनमें कि इनमें सभी में बीच में एक कोर्टयार्ड हुआ करता था, एक आंगन हुआ करता था, जिस और उस कोर्टयार्ड के आसपास रूम्स बने हुए होते थे, और मिडिल में क्या हुआ करता था, एक ओपन कोर्टयार्ड होता था, कोर्टयार्ड मींस आंगन, एक आंगन हुआ करता था और उस आंगन के आसपास घर बने हुए थे। तो कुछ इस तरह का सिस्टम था मेसोपोटामियन सिटीज का, क्लियर। नाउ लेट्स डिस्कस द सोशल क्लासेस ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, यानी कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में सोशल क्लासेस यानी कि सामाजिक वर्ग कैसे हुआ करते थे उनके बारे में बात करते हैं। कई तरह की सोशल क्लासेस हुआ करती थी मेसोपोटामियन सोसाइटी में, मेसोपोटामियन समाज में। द किंग वॉज वेरी पावरफुल, राजा बहुत ही पावरफुल हुआ करता था। ही वॉज द हेड प्रिस्ट एंड परफॉर्म्ड रिलीजियस राइट्स एंड सेक्रीफाइसेस, वो प्रमुख पुजारी हुआ करता था, वो सभी तरह के जो रिचुअल्स होते थे वो परफॉर्म करता था। इसके अलावा जितने भी सेक्रीफाइसेस हुआ करते थे, बलिदान हुआ करते थे, वो परफॉर्म करता था, क्लियर। उसकी एक रॉयल फैमिली हुआ करती थी और रॉयल फैमिली को हाईएस्ट पोजीशन दी गई थी सोसाइटी में, यानी कि सबसे टॉप पर सोसाइटी में कौन हुआ करता था, किंग एंड हिज फैमिली। किंग के बाद में प्रिस्ट यानी कि पुजारी और हाई ऑफिशियल्स, इसके अलावा राइटर्स, ये नेक्स्ट आते थे, क्लियर। उसके बाद में इन सब के बाद में आर्टिशंस और ट्रेडर्स का नंबर आता था सोसाइटी में, और सबसे लास्ट में सबसे निचले पायदान पर हुआ करते थे स्लेव्स यानी कि गुलाम, क्लियर। तो ये इस तरह का समाज हुआ करता था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में। द किंग वॉज ऑन द टॉप, देन प्रिस्ट, नोबल्स, ऑफिशियल्स, राइटर्स, क्लियर, देन farmers, artisans and traders, and then at last at the bottom slaves, last में कौन हुआ करते थे social ladder में, slaves यानी कि गुलाम, गुलाम लोगों को सबसे निचला पायदान दिया हुआ। Now let's talk about the family, clear, family of Mesopotamian civilization. The father was the head of the family, clear, father family का head हुआ करते थे, यानी कि पिता जो होता था वो पूरे परिवार का मुखिया हुआ करता था। बॉयज वर सेंट टू स्कूल व्हाइल गर्ल्स लर्न्ड कुकिंग, बच्चों को, लड़कों को स्कूल भेजा जाता था जबकि लड़कियां खाना पकाना सीखती थी। स्पिनिंग एंड अदर हाउसहोल्ड वर्क, क्लियर, यानी कि स्पिनिंग कपड़ा बनाना और दूसरे घर के काम सीखा करती थी लड़कियां। सम वर टॉट टू रीड एंड राइट एट होम, कुछ लड़कियों को घर पर लिखना और पढ़ना सिखाया जाता था, हालांकि महिलाओं को पुरुषों के इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता था, यानी कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता था, इस तरह का भेदभाव किया जाता था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, महिला और पुरुषों में भेदभाव था, पुरुषों को ऊंचे स्थान पर बिठाया गया था जबकि महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता था, उनको पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिलीजन, यानी कि धर्म, मेसोपोटामियन सिटीज में रिलीजन किस तरीके से हुआ करता। द मेसोपोटामियंस वर्शिप्ड द डिफरेंट फोर्सेस ऑफ नेचर, मेसोपोटामिया के जो लोग थे उन्होंने प्रकृति के अलग अलग फोर्सेस को वर्शिप किया, उनकी पूजा की, क्लियर। हर सिटी में अलग अलग तरह के गॉड हुआ करते थे, सभी लोग अलग अलग भगवान की पूजा करते थे, हर सिटी में अलग अलग भगवान हुआ करते थे, क्लियर। ज़िग्गुरेट बनाए जाते थे भगवान के, एक टावर शेप्ड स्ट्रक्चर बनाया जाता था, उसके टॉप पर क्या होते थे, टेम्पल होते थे। जब भी किसी सिटी में भगवान की पूजा की जाती थी, किसी भगवान को माना जाता था, किसी गॉड को माना जाता था, तो मेसोपोटामियंस क्या करते थे, एक ज़िग्गुरेट बनाते थे, एक टावर शेप्ड टेम्पल बनाते थे और वो उन भगवान को डेडिकेट कर दिया जाता था। इसके अलावा इन ज़िग्गुरेट में जो प्रिस्ट होते थे वो डिफरेंट सेरेमनीज परफॉर्म करते थे, अलग अलग तरह के जो अवसर होते थे, मौके होते थे, पूजाएं होती थी, उन पूजाओं को परफॉर्म करते थे, क्लियर। जो एक्सकेवेशंस किए गए हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में वो हमें बताते हैं
कि मेसोपोटामियंस ऐसा मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। क्लियर? जो एक्सकेवेशंस हुए हैं उन एक्सकेवेशन से उनकी ये धारणा का पता चलता है कि मेसोपोटामियंस ये मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। कई तरह की ऐसी ग्रेव्स मिली है जहां पर डेली यूज के आर्टिकल्स उनके साथ दफनाए गए थे, यानी कि मेसोपोटामियंस किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद में जब उसे दफनाते थे तो उस व्यक्ति की डेड बॉडी के साथ में वो सभी इंस्ट्रूमेंट्स जो कि हमें डेली लाइफ में जिनकी नीड होती है, जिनकी जरूरत होती है, वो सारे डेली लाइफ की चीजें, फॉर एग्जांपल खाना, पानी, कंघा, ग्रेन्स, क्लियर, रुपए, पैसे, कॉइन्स, क्लियर, ये सारी चीजें वो उस ग्रेव के साथ, उनकी कब्र में, उनके साथ, उनकी डेड बॉडी के साथ वो सारी चीजें रखा करते थे जिनकी जरूरत हमें लाइफ में होती है, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, तो जब वो नेक्स्ट जीवन में पहुंचेंगे तो इन सारी चीजों की उनको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कई ग्रेव्स से जो डेली यूज की थिंग्स है वो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के रूप में पाई गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑक्यूपेशन ऑफ मेसोपोटामियन पीपल। ऑक्यूपेशंस, क्लियर? ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय, वो किस तरह का व्यवसाय करते थे। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वर फार्मर्स। ज्यादातर जो लोग थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के वो किसान हुआ करते थे। वो वीट, बार्ले, कॉर्न, डेट्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो करते थे, यानी कि गेहूं, बाजरा, मक्का, क्लियर, खजूर, फल और सब्जियां, ये सब वो ग्रो करते थे। उन्होंने इरिगेशन की इंप्रूव्ड मेथड का यूज किया था जिससे क्रॉप प्रोडक्शन काफी ज्यादा था, यानी कि बेहतर सिंचाई सुविधाओं का उन्होंने इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा क्राफ्ट्समैन भी हुआ करते थे, मेटल वर्कर्स हुआ करते थे जो धातुओं का काम किया करते थे। इसके अलावा ब्लैकस्मिथ्स एंड गोल्डस्मिथ्स, ब्लैकस्मिथ मींस लोहार हुआ करते थे जो कि लोहे का काम किया करते थे, लोहे के टूल्स और वेपन्स बनाया करते थे। इसके अलावा गोल्डस्मिथ्स हुआ करते थे जिनको हम सुनार बोलते हैं, जो स्वर्णकार बोलते हैं, सोने का जो काम करते हैं, जो कि ऑर्नामेंट्स बनाया करते थे, क्लियर। इसके अलावा पॉटर्स हुआ करते थे, मिट्टी के घड़े बनाने वाले, क्लियर, जिसको हम कुम्हार बोलते हैं। वेवर्स हुआ करते थे, बुनहारे जो कपड़े बुनने का काम करते थे। इसके अलावा स्कल्प्टर्स होते थे, मूर्तिकार जो कि मूर्ति बनाने का काम किया करते थे। और इसके अलावा लास्ट में ग्लास मेकर्स हुआ करते थे जो कि ग्लासेस के डिफरेंट आर्टिकल्स बनाया करते थे, क्लियर। तो ये सारी चीजें हुआ करती थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेड एंड कॉमर्स। व्यापार व्यवसाय क्या किया करते थे उस समय, क्लियर। कई लोग ऐसा मानना है कि कई सारे ट्रेडर्स थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में, जो कई सारे आइटम्स का ट्रेड किया करते थे विद इन मेसोपोटामिया एंड विद द अदर सिविलाइजेशंस आल्सो, क्लियर। कुछ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स जैसे कि जिनको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्लियर, ऐसे रॉ मटेरियल्स का भी ट्रेड किया जाता था, क्लियर। उनको घर में यानी कि मेसोपोटामिया में और दूसरी जगह पर भी उनको सेल किया जाता था। जो गुड्स की क्वालिटी होती थी उस पे स्पेशल ध्यान दिया जाता था, क्लियर, यानी कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो गुड्स ट्रेड किए जाते थे उनकी क्वालिटी चेकिंग काफी स्ट्रिक्ट की जाती थी, यानी कि गुड क्वालिटी गुड्स को ही ट्रेड किया जाता था। जो ट्रेड के रिकॉर्ड्स होते थे उनको क्ले टैबलेट्स के ऊपर राइट किया जाता था, यानी कि स्लेट हुआ करती थी मिट्टी की बनी हुई जिनके ऊपर वो लिखा पढ़ी करते थे, क्योंकि उस समय पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, कागज नहीं बना था, इसलिए मिट्टी की टेबलेट के ऊपर, प्लेट के ऊपर क्या किया करते थे, वो हिसाब किताब अपना राइट किया करते थे, क्लियर। मेसोपोटामियन सील्स की जो डिस्कवरी हुई है वो इंडस सिटीज में भी मिली है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मेसोपोटामियन सील्स मिली है, और ये प्रूफ करती है, क्योंकि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की चीजें इंडस सिविलाइजेशन में मिलना ये प्रूफ करता है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का ट्रेड इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ हुआ करता था, यानी कि आज जो प्रेजेंट कंडीशन में जहां इराक है वहां मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी
और उस समय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का ट्रेड इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि इंडिया के साथ हुआ करता था। डियर स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। फॉर मोर वीडियोस कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।